जोर्डन बेटा, कल मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था, करंट के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं, केवल बेसिक्स पढ़ रहे हैं इसके, और बेसिक्स भी और सीधे न्यूमेरिकल पाएंगे। ठीक है, मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ बेटा। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। देखिए बेटा, मैंने बोला कि आई इज इक्वल टू एनी ए वी डी भी होता है। ये हमने इसका प्रूफ भी किया हुआ है, 12th में भी है। ठीक, कॉम्पिटिशन में भी इसका प्रूफ के बारे में हमें बताते हैं। अभी मुझे भी कराना है इसके कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मान लो एक कंडक्टर लिया है मैंने, जिसमें I1 करंट है, यहाँ से एंटर किया, I2 यहाँ से आया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है। तो बोल सकता हूँ भाई कि यहाँ पर I1 और I2 बराबर होंगे। भैया एरिया पर डिपेंड नहीं करते, I जितना जाएगा उतना ही आएगा, I है ना, I चार्ज है। ठीक है ना, तो I1 I2 बराबर रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, एन ई क्या है, चार्ज है। ठीक है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है इसके अंदर, जितना भी चार्ज होगा। तो ए और बी डी की देखें, आई भी चेंज नहीं हुआ है, तो बोल सकता हूँ ए बी डी जो है वो कांस्टेंट हो गया। इसलिए याद कर लो, एरिया और बी डी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि I1 इज इक्वल टू I2, जहां पर एरिया कम वहां बी डी ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। एरिया कम यहां पर है तो इसलिए बी डी ज्यादा होगी यहां पर। तो मैंने क्या करा, बी डी 1 ज्यादा कर दिया बी डी 2 से। ठीक है, फिर जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। जे कहलाता है करंट डेंसिटी। क्या कहलाता है बेटा, करंट डेंसिटी, है ना। इसे वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं, क्योंकि ये किसी भी कंडक्टर में परपेंडिकुलर पास होती है ऐसे करके। ठीक है, तो बेटा अभी मैं बाद में जिक्र करूंगा इसकी भी। तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जहां एरिया कम वहां जे ज्यादा, जहां एरिया कम वहां जे ज्यादा। यानी कि J1 बड़ी हो गई J2 से, हो गई कि नहीं हो गई बताओ। यहाँ पर क्या हो गया, J1 ग्रेटर हो गई J2 से, इनवर्सली है ना बेटा। बोलो बेटा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू सिग्मा, ऐसे डाल दो इसको, सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं E अपॉन रो। सुना होगा आपने ये फॉर्मूला, ये पढ़ा है क्या फॉर्मूला आपने, ये फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेशन मैं बोल सकता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन रो, है ना। एक मिनट, या जे इज इक्वल टू होता है, एक मिनट जाओ मैं चेक कर लेता हूँ इसको। अगर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं बोलूँ इसमें ई इज इक्वल टू जाएगा, तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ई इज इक्वल टू आएगा बेटा शायद रो जे आएगा, ये आएगा ई इज इक्वल टू रो जे। कैसे आता है देखो, मैं दिखाता हूँ इसको कैसे आता है। मान लो I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी होता है, I अपॉन ए इधर ले जाओ, I अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई बी डी होता है ये। ठीक है, I अपॉन ए जे बन गया बेटा, और एन ई बी डी क्या होता है, E टाउ अपॉन एम। मैं बोल सकता हूँ बेटा जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, और इसे बोलते हैं वन अपॉन रो। क्या बोलते हैं बेटा, वन अपॉन रो, रेसिस्टिविटी ई। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है कैसे सोचना है, अगर भूल जाते हैं हम लोग तो प्रूफ कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो यानी जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, सही करिए इस फॉर्मूले को, गलत दिख रहा था मैं, मैंने प्रूफ कर लिया जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसके मतलब क्या हुआ कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर जहां करंट डेंसिटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, तो J1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो जहां J ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर J यहां ज्यादा है, तो E1 भी बड़ा होगा E2 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीजें बताई हैं आपको, आपको कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में होनी चाहिए सारी चीजें, तभी आप इसे आगे कर पाएंगे। तो एक बार फिर से रिकैप करता हूँ बेटा, I इज इक्वल टू एनी एबीडी हमें पता है, हमने प्रूफ किया था। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक कंडक्टर दिया है जिसमें I1 करंट एंटर किया, I2 बाहर निकला, और मैंने इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A दे दिया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 दे दिया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 दे दिया। मैंने पूछा भाई करंट, तो बोलोगे सर दोनों बराबर, करंट चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कि इस वाले फॉर्मूले से देखो बेटा, आई भी कॉन्स्टेंट है, दोनों तरफ कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हुआ, और ये चार्ज है ये भी चेंज नहीं होगा, एन ई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ए बी डी, ये दो इसको बोल सकते हैं ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या ए इज इक्वल टू वन अपॉन बी डी। तो यानी कि जहां बी डी ज्यादा होगा वहां ए कम होगा, जहां बी डी कम होगा वहां ए ज्यादा होगा।
चूंकि यहाँ पे ए कम है तो वीडी ज्यादा होना चाहिए, मैंने वीडी ज्यादा कर दिया, यहाँ पे ए ज्यादा है वीडी कम कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, जहां ए ज्यादा वहां जे कम, जहां ए ज्यादा वहां जे कम, यहां जे कम होगा तो जे कम कर दिया और इसका जे ज्यादा होगा। फिर मैंने बोला जे इज इक्वल टू सिग्मा ई डी होता है, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, तो इसका मतलब जहां जे ज्यादा वहां ई ज्यादा, तो मैंने इसके डायरेक्टली ये भी लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये आने चाहिए बेटा, समझ में आ गई आपको यहां तक बात। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, मैं इसे रैप कर देता हूं, ठीक है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, यस मुझे लग रहा है आपकी आवाज आई थी, मुझे लग रहा है आ रहा है, ठीक है, समझते जाओ, है ना। और कुछ अगर बेटा कोई कमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट करना, लगता है कुछ कि आपको समझना है या कुछ समझना और अच्छे से समझना चाहते हैं या आपकी कोई क्यूरीज हैं, वो आप मुझे डालिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं सब बारी बारी से क्यूरी के, अभी मैं सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट देकर सीधे न्यूमेरिकल पर आ रहा हूं, और ये क्योंकि मैं एज ए प्रूफ कराऊंगा बाकायदा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं चाहता हूँ आपको बहुत छोटे कॉन्सेप्ट दूँ और आपको सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कराऊँ, हर तरह के, हर वैरायटी के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ मैं आपको उसके बाद, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूँ बेटा, मैंने इसे रब कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सुने आप, बेसिकली क्या होता है, एक मिनट बेटा मेरा डस्टर हो गया। बेसिकली करंट कैरियर क्या होते हैं, करंट कैरियर्स बेटा याद कर लो, मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चन आया हुआ है खास नंबर में बोर्ड में, ठीक है। और लिक्विड में होते हैं आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैडम, आपको सब बेसिक पढ़ेंगे ना आपको पूरा चैप्टर रिकैप हो जाएगा मेरी नोट से, है ना, ठीक है। अब गैस के बारे में बात करते हैं, बेसिकली गैस जो है ना, गैस है इंसुलेटर, गैस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन अंडर सम कंडीशंस करंट फ्लो हो सकता है, अंडर सम कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो गैस में कब फ्लो हो सकता है करंट, जब हाई पोटेंशियल हो, हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर, बात समझ आ रही क्या। तो बेटा गैस में क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं आयंस में, एक तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर, पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो गैस अव्वल तो इंसुलेटर है ना, करंट उसमें कंडक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर मैं हाई पोटेंशियल कर दूं, लो प्रेशर कर दूं, तो वो कंडक्ट कर सकता है, बात समझ आ रही क्या, ठीक है। मैं इसे भी रब कर देता हूं, मैं इसे रब करता हूं बेटा, आप लोग सब नोट सुनाते रहे शॉर्ट में, जो मैं बताता हूं आपको बहुत फायदा होगा इन चीजों से। उसके बाद और बात करता हूं मैं ईएमएफ के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा हूं, ईएमएफ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, ईएमएफ सुनिए। ये मेरे पास एक बैटरी है और बैटरी में लिखा है 12 वोल्ट, सपोज बैटरी है या सेल है, इस पे लिखा है 12 वोल्ट, क्या लिखा बेटा, 12 वोल्ट, तो मैं 12 वोल्ट को बोलूंगा बेटा, बेसिकली अब मैं इसमें करंट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इस बैटरी में एज इट इज रखी हुई है, नई बैटरी लेकर आया हूं, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, अभी मैंने सिर्फ करंट ड्रॉ नहीं किया है, यानी कि इसे क्लोज सर्किट में नहीं लाया हूं, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से बोलेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलेंगे हम क्या, ईएमएफ, किसमें, इन ओपन सर्किट या व्हेन नो करंट ड्रॉन, जब करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो बेटे क्या कहलाएगा, वो ईएमएफ कहलाएगा, यानी कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, is called EMF. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, क्या, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल
in open circuit or when no current drawn from the cell is called the EMF. Basically EMF इसे बोलते हैं electromotive force. ठीक है बेटा, ये फोर्स नहीं है, बेसिकली वर्क है ना. इसकी यूनिट होती है बेटा, यूनिट वो होती है बेटा, ई जो होती है ना वो होती है वोल्ट, वोल्ट होती है. यानी कि जैसे पोटेंशियल होता है वैसे ही होता है, बस फर्क ये होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है क्लोज सर्किट में. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, क्लोज सर्किट में होता है, और ओपन सर्किट में होता है ईएमएफ. इसकी यूनिट में वी होती है. यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट वी होती है बेटा. ये शॉर्ट में याद करना है सब आपको, ठीक है. बस समझ में आ गई आपको, यहां तक मैं समझता हूँ बहुत कुछ समझ में आया आपको. मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, यहां तक समझ में आ गया. अब थोड़ा बैटरी के बारे में चर्चा करते हैं. बैटरी के बारे में सुनिए आप जरा, मैं सिर्फ करता हूँ बेटा, सब लोग कॉपी कर लेंगे. अब मैं थोड़ा बैटरी के बारे में बताता हूँ. बेसिकली ये बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम क्या होता है. देखिए अगर मान लिया मैंने बोला कि मेरे पास यहां पर एक कंडक्टर है, ये बैटरी लगी है, ठीक है. इसका पोटेंशियल भी, इसका जीरो, इसके बीच में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी लेंथ में एल मान. अब सुनिए आप, बेसिकली क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इधर से हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. हालांकि हम पॉजिटिव चार्ज बोलते रहा हूं मैं यहां पर, लेकिन हम चलाते इलेक्ट्रॉन को ही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को चलते हुए मानते हैं. और किसी भी एटम जो हमारे, बेसिकली एक इंसुलेटर होता है और एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में भी एटम होते हैं और इंसुलेटर में भी एटम होते हैं. अब बेटा क्या होता है कि एटम तो अपने अपनी जगह फिक्स रहते हैं, एटम तो चलते नहीं है भाई, ठीक है. लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं होते हैं, तो इसलिए चल नहीं पाते. लेकिन कंडक्टर में एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जिसे बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री कहती है, तो वो फ्री होते हैं, वो चल सकते हैं, तो इसलिए उसमें करंट चल सकता है. तो हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे चल रहा होगा, ठीक है. ठीक है, बस ये समझाने के लिए ऐसे बताया, यहां तो इलेक्ट्रॉन ही चल रहे हैं और यहां पर करंट चल रहा है ऐसे आई, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट. क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव चलता है और नेगेटिव से पहुंचता है, एंटर करता है, पॉजिटिव चलता है, और इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर करंट चलता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट. द करंट विच फ्लो इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है ना, अपोजिट, इसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट. और जो बैटरी करंट देती है उसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है. वो हमेशा हायर पोटेंशियल चलता है लोअर पोटेंशियल तक, और इलेक्ट्रॉन चलते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. ये हायर पोटेंशियल हो गया बेटा, और ये लोअर पोटेंशियल हो गया. आपको इसका पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल करना है, इसके अच्छे अच्छे करने हैं, मैं देखना कैसे कराता हूं न्यूमेरिकल. ये समझ में आ गया आपको. अब देखिए आप, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना. क्या करती है, एनर्जी देती है. क्या देती है, एनर्जी, ठीक है. इसका काम कुछ भी नहीं होता, एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को. चार्ज ना तो खत्म होते हैं ना ही बनते हैं, यानी चार्ज आइसोलेटेड जो होता है, बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट. तो सुने आप, जब यहां से चार्ज चलता है, ये मान लीजिए ये चला, तो इस पे वर्क हुआ, इस पर इसने, इसके अंदर चलने में कितना वर्क किया, W is equal to QE, यानी Q कितना है, E, और वोल्टेज कितना है V. यहां से इलेक्ट्रॉन चलता 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 अपनी एनर्जी कम करता हुआ आता है, करता आता है. इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ट्रक है जो एनर्जी को लेकर जा रहा है, ऐसा समझो. इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ट्रक है जो एनर्जी को साथ में लेकर जा रहा है. यहां से घुसा, इसने एनर्जी यहां पर देता आया और बाहर निकला, तो इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई. अब ये बेचारा बिल्कुल जीरो होके आ रहा है. अभी कहता है मैं तो जीरो हो गया, तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये फिर एनर्जी दे देगी. बैटरी क्या करेगी, ले भाई मुझसे और एनर्जी ले ले, फिर इसमें ताकत आ जाएगी और ये फिर चलने लगेगा, फिर यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इसमें करंट फ्लो हो जाएगा लगातार ऐसे ही. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है. आपको थोड़ा पता होना चाहिए बेसिक के बारे में. ये मैं ये भी इस रब कर देता हूँ बेटा, इसके थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ठीक है. ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको. अब बात करेंगे थोड़ा सा मोबिलिटी के बारे में. मोबिलिटी क्या होती है बेटा, म्यू होती है. ये क्या होती है बेटा, ये होती है बेटा VD / E, है ना, पढ़ रखा हमने. यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में
अगर मैं किसी कंडक्टर को यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दूं तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड होगी उसे बोलेंगे मोबिलिटी। बेसिकली दो तरह से होती है, म्यू इलेक्ट्रॉन की है, बल्कि एक काम करिए म्यू ऐसे रखिए, वीडी होता है ई टाउ अपॉन एम, ई से ई उड़ गया तो ई टाउ अपॉन एम। तो बेटा म्यू ई जो होती है वो होती है ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि क्यों मान लो उसको, चलो ऐसे रख दो, और रिलैक्सिंग टाइम, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं म्यू होल के बारे में बात करूं तो जगह चार्ज ऑफ होल रिलैक्सिंग टाइम अपॉन मास ऑफ होल, ठीक है, मास ऑफ होल। ये बेटा दोनों के लिए पॉजिटिव होती है, कैसी नेचर होता है इसका, पॉजिटिव नेचर, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं या नेगेटिव पे। लेकिन जो बीडी होती है, बीडी होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होती है और होल के लिए, ये सब याद करना भी, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बात समझ आ रही है आपको, बोलो बेटा। अब मैं थोड़ा सा इसको और रब करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, इसे रब कर देता हूँ। अब देखिए आप, इसके बाद थोड़ी सी और बात करता हूँ, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ आज। देखिए I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी था, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब करंट चलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब करंट चलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कारण क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन की तो स्पीड ही, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है बताओ, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, -10^4 मीटर पर सेकेंड। अगर भैया इतना स्लो इलेक्ट्रॉन चले तो मैं अपने घर का बल्ब को ऑन करूंगा, मैं सोचूंगा सब्जी ले आता हूँ, सब्जी लाने के बाद तो कुछ देर बाद जली जाएगा, तब पढ़ लूंगा आके, है ना, क्योंकि स्पीड बहुत कम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इतना तेज चल नहीं रहे हैं, और हमें क्या बोला गया, साहब इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट चलता है। कुछ नया फैक्टर और है जो करंट को चलने में हेल्प करता है, वो समझना है आपको, ठीक है। देखो क्या है, यानी कि मैं नहीं मानता कि साहब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी करंट चलेगा। बेसिकली क्या होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, है ना, तो इमीडिएटली प्लस माइनस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसे बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं वी, इसका वी होता है, इसका जीरो होता है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जिससे बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी लेंथ एल होती है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा क्या, ई इज इक्वल टू बी अपॉन एल पढ़ा था हमने ना, है ना, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन जी आर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ये माइनस पढ़ते थे हम, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, बाद में जिक्र करेंगे फिलहाल। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने से इसमें बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या बन जाती है, इसमें बन जाती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये एटम्स है, ये एटम्स है, ये लैटिस में है, अपनी जगह रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये है हल्के हल्के, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर क्या है, ये बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ये बन गई इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या करती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के चलने का इंतजार नहीं करती है कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब ऐसा होगा। तो बेटा यानी कि जो आई जो चलता है, करंट चलता है, ये करंट चल रहा है, तो लिखेंगे आई, मैं लिख देता हूं उसको, आई डज नॉट नॉट वेट सॉरी वेट टू मूव द इलेक्ट्रॉन या द टू फ्लो लगता है, टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो ऑटोमेटिकली इस ई से ही आई सेट हो जाता है, यानी कि द आई डज नॉट वेट टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, इट सेट, ठीक है, यानी कि सेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी करंट इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं कर रहा था, करंट ने देखा जैसे ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया तो इस पे बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आया जिसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर बन जाती है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कंस्टिट्यूट द करंट, एंड इट डज नॉट, यानी कि इट मींस वी कैन से दैट द आई डज नॉट वेट टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एक्चुअली, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह इलेक्ट्रॉन है उनको सबको एनर्जी देता है, और इमीडिएटली व्हेन वी स्विच ऑन द बल्ब, ठीक है, देन इट इमीडिएटली ग्लो। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर मान लो मैं इसकी 10^-4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बात करूं,
तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, स्पीड तो बहुत कम होगी, 10^4 यानी कि 1/1234 मीटर पर सेकंड। सोचो जरा, एक सेकंड में इतना चलेगा तो भैया 1 किलोमीटर चलने में तो जाएगा 1 साल बाद, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारा करंट चलने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, समझ आ रही है। तो बेटा ये मैंने आपको थोड़ी छोटी बातें बताई, अब मैं थोड़ा सा अब आपको सेल के बारे में बात करता हूँ। किसके बारे में बात करता हूँ, ये हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। किसकी बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, है ना। बल्कि मैं थोड़ा सा अभी जल्दी आ गया, मुझे सीरीज पहले नहीं बताना चाहिए, कोई बात नहीं है, मैं अभी ये पढ़ा देता हूँ, फिर ये सब आपने पढ़ रखा है, थ्योरी पढ़ लेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा, ये एक बैटरी है, बस थोड़ा समझ लेंगे इसको, प्लस माइनस। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मैं आपका चाहता हूँ टाइम कम से कम खर्चो, बच्चे बहुत बिजी हैं, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं, उसके बाद मुझे न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप आराम से समझ पाए तो मेरी कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, अब ये मेरे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जब मैं इसको क्लोज सर्किट में कर देता हूं तो करंट चलना शुरू हो जाएगा, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और बैटरी को काम करना पड़ेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ऐसे चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे एनर्जी वेस्ट होगी उनकी। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कब प्रोड्यूस होता है, तो अब मैं बोल रहा हूं आपको, आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, कि बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल ऑब्लिक बैटरी, सेल ऑब्लिक बैटरी इन क्लोज सर्किट। जब क्लोज सर्किट होता है तो जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, आयन से टकराते हैं बार बार, तो उसके अंदर जो रेसिस्टेंस क्रिएट होता है उसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। शर्त यह है कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो आर होता है वो क्लोज सर्किट में होता है, बस क्लोज सर्किट, ये ओपन सर्किट में आर हमेशा जीरो होता है। मेरे पास दो बैटरी है, एक नई बैटरी है, एक पुरानी बैटरी है, एक न्यू बैटरी है और एक ओल्ड बैटरी है। मैंने पूछा बेटा बताओ किसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आप बोलो सर आपने कहीं कनेक्ट तो किया नहीं है, जब तक मैं उससे आउटपुट नहीं लेता, जब तक मैं उस पर करंट ड्रॉ नहीं करता, तब तक मैं दोनों के रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो मानूंगा, क्योंकि जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा तब तक इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं करता, ठीक है, समझ में आनी चाहिए आपको। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बातों पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, द डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर, किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, सही है। नंबर टू, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। थर्ड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इमर्ज, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा, समझ जाता है। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है कैसे नेचर के इलेक्ट्रोड है, जिंक का है, ठीक है, या कॉपर का है, या एल्यूमिनियम का है, तो जितना अच्छा इलेक्ट्रोड का नेचर होगा उसमें कंडक्टिंग अच्छी होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, उस पर भी डिपेंड करता है, जितना डाइल्यूट होगा उतना इलेक्ट्रॉन तेज चल पाएगा, है ना, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। देखा, बैटरी में हम पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं, हम पानी से डालते हैं कि वो डाइल्यूट रहे, और डाइल्यूट रहेगा तो अंदर जो प्लेट से प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आयन से फ्लो करते हैं उनमें रेसिस्टेंस कम रहे और हमारी बैटरी काफी लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, है ना, ठीक है बेटा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रोड के बीच में उतना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, इसलिए 12 वोल्ट की बैटरी में आपने देखा 6 सेल लगे होते हैं।
ऐसे कुछ 12 वोल्ट की बैटरी में प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कुछ होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस कम रखते हैं इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिससे हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस कम क्रिएट हो, ठीक है। फिर एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्जिंग इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज्यादा एरिया इमर्ज रहेगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उतनी ही इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगी। कारण क्या है बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या चलते हैं, आयंस, क्या चलते हैं आयंस। अब देखो जरा, एक एक में एक रॉड का इलेक्ट्रोलाइट यहां तक है बस, और एक रॉड का इलेक्ट्रोलाइट यहां तक है, एक यहां तक। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन से आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इतनी कम जगह में आएंगे, एरिया कम हो गया, तो यहां ज्यादा टकराएंगे, कोलिजन होगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा जगह मिली हुई है, कोई भी कहीं जा सकता है, तो यहां पर कोलिजन कम होगा, तो इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा बैटरी में पानी। तो डियर चिल्ड्रन, आपने ये मेरे लेक्चर देखे, ये दूसरे तीसरे लेक्चर जो हैं, तो बेटा मैं ये कहता हूँ कि आपको जो भी क्वेरीज हैं मुझे बताते रहें, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करते रहें, मेरे आपको बेसिकली कमेंट देंगे तो उसमें मुझे पता चलता रहेगा। और आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बाय।